जय हो जय हो जय हो। सर जी प्रणाम। अरे लहंगे की धूल बाद में झाड़ लियो, पहले गल्ले की धूल साफ कर। हल्का हो रहा है देख, कितने दिन से, इसका वजन बढ़ा दे। जी सेठ जी, हम कर देते हैं। सेठ जी क्या हुआ आज, आप बड़े जल्दी में लग रहे हैं, कहीं जाना है आपको? सेठ जी पंचम। हाँ भाई, ये मेरी दुकान है, मैं हड़बड़ी करूं गड़बड़ी करूं तुझे क्या लेना देना इस बात से? नहीं नहीं सही बात है सेठ जी, वो तो हम ऐसे ही बस। सेठ जी हाँ, वो आपने वो फिल्म देखी है क्या, पाप का देवता? ना देखी तो ना है, लेकिन मुझे बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि तेरा आजकल मन ना लग रहा काम में, समझ रहा है तू? अरे काम में मन लगा ले, बता रहा हूँ मैं। नहीं सेठ जी सॉरी, वो दरअसल क्या है, हम तो अरे बातें चटका रहा है मेरे साथ, दरअसल दरअसल वो ऐसे टाइम पास लेवल पे पूछ रहे थे आपसे। वो सेठ जी आपसे एक सवाल था कि आपको क्या लगता है, हमारे मन में ऐसा एक सवाल उठा तो हमने कहा कि आपसे भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है पाप और पुण्य का हिसाब स्वर्ग में होता है कि नरक में? ना ये तो मुझे ना मालूम, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ काम में दिल लगा, काम में ज्यादा सवाल वाल मत कर मेरे साथ सुबह सुबह। सॉरी सेठ जी। सेठ जी एक एक आखिरी सवाल, एक आखिरी, प्लीज 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 चल बोल, प्लीज बोल ले आज। हाँ। तू सारे सवाल बोल, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, चल बोल बता। वो सेठ जी आप क्या कभी कुंभ के मेले गए? ना गया हूँ, लेकिन अब जाने वाला हूँ पाप धोने और धुलवाने। और अगला सवाल पूछ अब, चल। क्या बात कर रहे हैं आप कुंभ के मेले जा रहे हैं? अरे क्या बात है सेठ जी, हमारा भी बड़ा मन था। तू क्या करेगा जाके वहां पे? वहां पाप धोने जाते हैं तो जैसे पुण्य आत्मा के वहां जाके कोई फायदा ना है, ऐसे आदमी को तो बस दूर से ही रामधाम करनी चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ तू काम में अपना मन लगा और बातों में मत पड़, समझ रहा है? सेठ जी हमें अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा पाप किए और इसलिए हम जाना चाहते हैं। अच्छा अब तू कह रहे है तो चलियो मेरे साथ कुंभ मनाने बस। इलायची। अबे भाग, इलायची आ गया वहां से। क्या हुआ दीक्षित, क्यों मनहूस सूरत लेके आ गया सुबह सुबह मेरी दुकान पे तू? यही बताने कि तुम जैसे पापी के यहाँ ये धर्मात्मा कैसे काम कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रहा हूँ, आज सुबह मैं और संजू स्कूटर से जा रहे थे तो गुरुद्वारे के पिछले वाली गली में स्कूटर फिसला और हम जोर से गिर गए, हम बेहोश हो गए। संजू भी रोता रहा पर किसी ने मदद न की। फिर तुम्हारी दुकान पे काम करने वाला ये पंचम आया और हमारी मदद की, हमें घर तक छोड़ा और तो और हमें मलहम पट्टी भी करवाया, और जब हम इनाम के तौर पे कुछ पैसे देने चाहे तो इसने साफ मना कर दिया। तुम ही बताओ आज के टाइम में इंसान रूपी देवता ऐसा कहीं मिलता है क्या? पर इसकी किस्मत देखो, ये तुम जैसे काई आदमी को झेल रहा है। देख मैंने तुझसे अभी अभी कहा था ना कि तू पापी ना है, तू तो एक पुण्य आत्मा है, समझ रहा है? सेठ जी पर पंचम तुम बहुत तरक्की करोगे, बस इस नेवले से बच के रहना। अबे आ गया तुम्हें दबा, उल्टी सीधी बातें करने, नेवले नेवले तू सांप है, बता रहा हूं मैं तुझे। ये वहां से इससे बच के रहना, उससे बच के रहना। देख मैंने तुझसे कहा था ना कि तू जो है एक पापी ना, देवता है देवता, समझ रहा है ना? तो दुकान पे आराम से काम कर तू। धन्यवाद सेठ जी, पर वो क्या है ना, हमने पाप किए चले। अरे काम कर ले काम, बात कर रहा है बेकार की। जल्दी आओ ना। अब बताइए। अरे आप बताइए, क्या हुई पापा से बात? हाँ इलायची जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम खुश हुए कि रोए, मतलब हमने सेठ जी की आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा इज्जत कभी देखी नहीं है। इलायची जी हम हैरान हो गए, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे हमारे लिए, मतलब अच्छा लगा हमें। हाँ पर दुख इस बात का है कि इस इज्जत के कारण हम कुंभ के मेले की रेल की गाड़ी की सीट छूट जाएगी। ये कसूर ना आपकी क्यूट सी शक्ल का है, मतलब अक्सर
लोगों को धोखा हो जाता है कि आप सीधे साधे हैं। एलाइची जी प्लीज, हमको इतने भी टेढ़े नहीं है। ये तो मुझे ही पता है, कल रात जबरदस्ती ना आप मेरे गाल पे किस करके चले गए थे। क्या किस? हमने क्या बोल रहे हैं आप एलाइची जी? हमने कोई आपको किसेस नहीं किया, ढंग से याद करिए। कहीं आप हमारे भरोसे अपने गाल किसी और के सामने तो पेश नहीं कराए? खबरदार जीजा जी, वो आप ही थे। अरे मेरे सपने में आए, ऐसे मुझे पप्पी दिया गाल पे और भग लिए। एलाइची जी सपने में ना पप्पी मार के तोड़ गए थे आप भी ना? कैसी बातें करती हैं? अगर हम सपने में बदमाशी कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सच में भी बदमाश हैं। सपना है एलाइची जी। प्लीज, अगर आप सच में शरीफ होते ना तो आप शराफत वाला काम ही करते मेरे सपने में, ओके? लेकिन यार मेन फोकस अभी इस पे हमारा कि पापा को विश्वास दिलाना है कि आप बहुत ही बड़े पापी हो। पर कैसे? एक काम करो, आप ना उल्टी सीधे काम करना शुरू कर दो उनके सामने, मतलब जुआ जुआ खेलो। हाँ जुआ खेलिए, अच्छा बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। आप भी ना घर से बाहर निकालने हैं लात मार के। रुकिए, आप हमें सोचने दीजिए, हम सोचते हैं लड़की उठवा लें। तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कहां से आती उल्टी सीधे दिमाग में आइडिया था? मुझे सोचने दो। हाँ एक काम करो, आप लड़ाई लड़ लो, नहीं बेस्ट रहेगा कि आप किसी को धक्का मार के उसे गिरा दो। हाँ या क्या बोल रही हैं आप एलाइची जी, ऐसे कैसे आइडिया दे रही हैं आप? किसी को चोट लग गई तो? हिमालय पर्वत की चोटी से नहीं बोल रही हूँ कि किसी को फेंक दो चोट लग जाएगी। बस बोल रही हूँ कि ऐसी रोड पे राह चलते किसी को मतलब धक्का दे दो यार, उसकी बात सब सेट हो जाएगा यार, मैं बता रही हूँ ना, ठीक है? एलाइची जी आप ऐसे कैसे बात को एकदम से खत्म कर देती हैं? हमारी भी तो कोई इज्जत है ना, ऐसे थोड़ी ना होता कि कभी भी आपने ऐसे काटा और हम चले जाए, थोड़ा इज्जत दीजिए। देखते रहना, चलो मेरी ब्यूटी स्लीप का टाइम हो गया जीजा जी। नहीं अब हम आपसे नाराज हैं, रुकिए। नहीं बाय। हाँ नहीं बस बाय। नहीं अब बात नहीं करनी हमें, हम आपसे नाराज हैं। लव यू। लव यू टू। लव यू जी जी। लव यू टू। लव यू। हाँ लव यू। लव यू। ओके बाय। गुड नाइट जीजा जी। लव यू। लव यू। याद रखना धक्का। हाँ ऐसी करो। हाँ भाई क्या हो रहा है छोटे? तो पिंकी जी को अदरक वाली चाय ना पिलाएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, दरोगा जी बहुत गलत टाइम पे गलत बात कर दी। मेरी चाय की दुकान ना है, सलून है मेरा। तुम कहो तो मतलब कुछ मसाज कर दूं या बाल चिपका दूं कुछ? अरे नाना उसकी कोई जरूरत नहीं है, पिंकी जी की अपनी एकदम घनी जुल्फे है इधर, रात को उस तरह फेर दूंगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि उस तरह से ना आपके बालों को ना ट्रिम करवा देते हैं, लुक बड़ा अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है मंगीलाल, पिंकी जी लव इट्स हेयर। और सेठ जी कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है? सेठ जी प्रणाम। अबे बर्तन जी, तू यहाँ क्या कर रहे आए है? सेठ जी वो दरअसल क्या कि हम गुप्ता जी के पास पैसे लेने गए थे तो वो लेकर आए। अरे वाह प्रणाम सेठ जी। वाह तूने कमाल कर दिया भाई, आज तो भाई तुम्हें घोड़े की तरह टप 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 जाके जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सेठ जी। अरे अपना पंचम जी, पिंटू जी कैसी है? उन्हें ना पिंकी जी का राम राम और गले मिलना कहना है। जी दरोगा साहब वो दरअसल क्या है ना कि बुबू का आजकल मूड काफी खराब रह रहा है, तो वो छोटी छोटी बातों पे चूते चप्पल फेंक के मार रहे हैं जी। क्या? अगर आप चाहते हैं तो हम आपका संदेश पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहुंचवा दे। अरे नहीं नहीं ठीक है रहने दो। ये जीजा जी कहां रह गए? अरे
अरे पापा, अरे क्या हुआ? हे भगवान, कैसे ये क्या कर दिया? क्या किया? कैसे सामान आ गया? बुजुर्गों को धक्का दे रहा है? दो में बतान सेठ जी पंचम। अबे हाँ चल, तेरी आंख में मोतियाबिंद रखा है। अरे माना के देख से जो है वो सूखी लकड़ी की तरह है, है? लेकिन मच्छर तो ना जो तुझे दिखाई ना दिया। चीजा जी, आपने दीक्षित अंकल को धक्का दे दिया, वो तो इतना बड़ा पॉप कर दिया। ये सब देखने से पहले भगवान जी आपने मुझे उठा के ले लिया। ओ गॉड। सर जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे होगी। हम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे हम। हे भगवान, हम इस बोझ के साथ जी नहीं पाएंगे सेठ जी। हमें ऐसा लगता है सेठ जी कि हमें आपके साथ कुंभ के मेले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेठ जी हम कुंभ के मेले जाएंगे तब जाके हमारा इस पाप का पछताताप होगा। प्लीज़ हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले चलिए, प्लीज़ प्लीज़। हाँ हाँ, इन्हें तो ज़रूर लेके जाइए, बल्कि सबसे पहले लेके जाइए। कितने शरीफ दिखते हैं लेकिन अंदर से कितने बड़े पापी निकले। छी, अरे अरे अरे, तुम सब क्यों इस संत को पापी बोल रहे हो? ये इंसान इंसान नहीं है, ये तो ऐसा देवता है जिसकी आरती उतारने का दिल कर रहा है। इस भले मानस ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। पिछले एक महीने से मेरे कमर की नस खींची पड़ी थी, इसके एक धक्के ने सीधी कर दी। पंचम, तेरे नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा, जय माता दी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा है सेठ जी, इस केस में पिंकी जी की इंटरफेरेंस के बिना ये केस पूरा सॉल्व हो गया, फुल एंड फाइनल। अब पिंकी जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे सुन, बर्तन ये अच्छा हुआ, चल ठीक है। सुन, तू आराम से मेरे पीछे जो है दुकान संभालियो, मैं इन सबके पाप धुलवाने ले जा रहा हूँ। सुनीता जी, हमें समझ ना रहा, आप तो कुंभ के मेले चली जाओगी, फिर हमारे यहाँ पे कौन रक्षा करेगा, कि हमें आपके पापा से यहाँ कौन बचाएगा? ओफो यार पिंटू जी, आप फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा ना, पापा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप ये क्यों बोल रहे हो, हम जाएंगे ना, मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। बहुत बढ़िया बनाया यार, मजा आ गया। जाएंगे भैया, हमारा तो सच बहुत मन है जाने का, लेकिन हमको ना सेठ जी का मन नहीं लग रहा ले जाने का। हमको तो ऐसा लग रहा कि आप लोग ना वहाँ कुंभ के मेले में डुबकी लगा रहे होंगे और हम यही घर में नल के नीचे बैठे से मग्गे से नहा रहे होंगे, ओम नमः शिवाय कर रहे होंगे। अरे यार पिंटू जी, शुभ शुभ बोलो ना। वैसे पता है हमारे रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर्स आए हुए हैं, तो ये ना हो जाए कि पूरे रास्ते में गड्ढे ही खुद जाए। अरे जीजा जी, इधर आओ ना, छोले भटूरे खाए जा रहे हो। लाइजी जी सुनिए, बहुत ही गजब के छोले भटूरे हैं, खा के देखिए मजा आ जाए। गजब के छोले भटूरे इतने सारे, सुबह सुबह गजब ढाएंगे ये। आपको पता है ना यार, बाहर के छोले भटूरे खाते तो पेट चल जाता है। रुक जाओ। अरे लाइजी जी, क्या हो गया आपको? आपको ज्यादा ही टेंशन ले रही है। हम ना आगरा के, आपको हमारी पाचन शक्ति के बारे में ज़्यादा सा भी आइडिया नहीं है। तो मिंटू, हाँ सही बात है, जानती ना भैया, बहुत बड़ा खाऊ है, मतलब बहुत बड़ा खाऊ आदमी हो रखा है। अरे बस ये समझ लो, इंसान छोड़ के और बाकी सब खाने का गुर्दा रखता है दोस्त हमारा। मजा आ गया भाई। क्या मजा आ गया, सिर्फ छोले भटूरे की पड़ी है। आगे सोचा क्या करना है, कुंभ के मेले में कैसे जाएंगे, सोचा कि नहीं? देखिए एलाइची जी, हम आपके गुलाम हैं, आप जो हमें कहेंगे हम आंखें बंद करके उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिकॉज वो हम नहीं बताएंगे। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैं आपको छोटे छोटे पाप करने के लिए कहती हूँ ना, आप माला जपने लगते हैं करके, तो क्या खाक कुछ कर पाएंगे आप? ओ भाई लंबू, इधर देख। हाँ। अबे साले बहुत बड़ा कांडी हो रखा तूने, आगरा में कितने कांड किए हैं, पापी कहीं का, यहाँ आके धर्मात्मा बन रहा है। देखो मैं तो ये कह रही हूँ जीजा जी, कि आपको ना एकदम हाई लेवल का पाप करना होगा, जिसे पापा देखे और देखते मतलब ऐसे बोले कि अरे भैया इसको तो सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा कुंभ के मेले। छोले भटूरे ही खाते रहोगे क्या? अरे यार कल सुबह ना आपके पेट में ज्वालामुखी नहीं फूटा ना, तो मेरा मिलाई जी नहीं। क्या हो गया एलाइची जी, सब लोग सुन रहे हैं, हम सिर्फ छोले भटूरे तो खा रहे हैं और हमारे छोले खत्म हो गए। हम कर लेंगे जो करना होगा, आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया सुनिए ना, छोले देना। हाय रब्बा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ खा लो सारे छोले भटूरे, खा लो, कढ़ाई में तल जाओ जाके भटूरों के साथ। आप टेंशन ना लो, आप खाओ जो गोलगप्पे, उनकी लाइफ में तो टंटे हो रखे हैं, अपनी लाइफ। ओहो पिंटू जी, खाने से आगे भी जिंदगी होती है। चल चल, चल।
शुरू हो जाओ जी, शुरू हो जाइए। हाँ। हे भगवान, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से कंकड़ पत्थर दान किए थे जो हमको ऐसा निकम्मा निकट्टू आदमी मिला। हमने भी कोई कोयले दान किए होंगे जो हमें तुम्हारी जैसी बीवी मिली। ना रहने का तरीका, ना बोलने का सलीका। रहने का तरीका? अरे कौन सा तुमने हमारे लिए शीश महल बनवा दिया जिसमें हम तरीके से रहे हैं? देखो किराए के घर में ना इतने ही तरीके से रहते हैं, इतनी तमीज से रहते हैं। इधर सेठ जी, शादी से पहले हमसे कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ना कोठी बनवा देंगे, बंगलो बनवा देंगे। अब देखो हमको लाके यहाँ भंडरिया में पटक दिया। इनसे कुछ होता ही नहीं है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुमसे बहुत कुछ हो जाता है। बालों वाली औरत, पता नहीं क्या देख के हमने इनसे शादी कर ली। देखा बालो बाली, अरे इनको तो ना टकली चाहिए थी, गंजी चाहिए थी जो उनके सीसा गंगा तेल का पैसा पचता, समझे? कह रहे क्या देख के, अरे हमारा फिगर देख के फ्लेरे तुम, हमारा फिगर देख के 36 24 36 भूल गए तो क्या हाल कर दिया मेरा। फिगर देख के तुम पहले भी मरकंडी थी, मरखंडी हो और मरकंडी रहोगी। चीजा जी, पंचम भाभी, आप लोग इसे लड़ क्यों रहे हैं? इलायची जी, हमें लड़ना पड़ेगा, हम इस औरत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये औरत एक नंबर की बदतमीज बेकार औरत है, जब देखो कुछ भी बात बोलो, छोटी सी बात बोलो अपना बेलन लेके खड़ी हो जाती है। एक मिनट, मिसेस पंचम, देखो आप तो समझदार है, ये तो है ही एकदम सरफरा। देखो चार लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे है? चार लोग? ये चार लोग कौन है? ये बहुत सुनते हैं चार लोग। आज ना इन चार लोगों को बुला ही लो, ये भी देख लें हमारे किसी दुख में ना आएंगे, हमारे किसी बिगड़ी में ना आएंगे, बस यही सुनने को आएंगे। यही देख, आज इन चार लोगों को भी बुला लो, आज जो हो ना हो ही जाए बस। हाँ नहीं तो बिल्कुल शांत हो जाओ ना, अच्छा लगता है क्या ऐसे? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आंटी जी, हमको ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम लंबा तगड़ा ना काम करना था हमका। बताओ, ये म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, अब बैठक में ऐसे ही चिल्लेंगे भेजते रहते हैं जी भी। अरे तुम जैसी औरत के साथ तो मतलब क्या ही आदमी बात करे। बदतमीज, तुझसे दो मिनट आदमी बात नहीं कर सकता है, जा यहां से। तू जा यहां से। मैं बता रहा हूँ बुबू, हमसे बदतमीज से बात मत करो, मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरे को। मार दिखाओ थप्पड़। मैं मार दूंगा। मार दिखाओ। मैं मार दूंगा। मार दिखाओ आज तुम। हे राम, मियां बीवी ने एक दूसरे को चाटा मारा। हे राम 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 राम, ओह माय गॉड, मेरे तो भागे फूट गए। अरे पापा, क्या आपने कभी मम्मी को ऐसे चाटा मारा था? अरे इलायची कैसी बातें कर रही है, अपनी माँ का साइज देख, जब भी ऐसा सोचा ना तो मेरे दिमाग ने मुझे सही सलाह दे दी है। इलायची के पापा, बेलन दिखाना कोई चाटा मारना नहीं होता है। अरे तो भागे फूट गए। पिंच भाभी, चीजा जी, ये क्या किया आप दोनों ने, इतना बड़ा पाप। जीजा जी, पिंटू भाभी, एक दूसरे को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलो बस। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? बो, बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया, वो भी इतनी जोर से। माफ कर दो बुबू। हम क्या माफ कर दो, तुम हमें माफ कर दो, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ, देखो देखो, जो हाथ, अब तुझे हाथ का क्या करे, यहाँ तुम पे उठा, अब तुझे काटना पड़ेगा। हे भगवान, गौर पाप हो गया, गौर पाप, अब कैसे प्रायश्चित होगा, कहाँ जाके प्रायश्चित करेंगे? सेठ जी, एक सेकंड चुप करो, चुप। सेठ जी, अब इसका एक ही उपाय है। सेठ जी, हमें लगता है कि आपको ना हमें अपने साथ कुंभ के मेले ले जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके। हम दोनों को जाना पड़ेगा, हम दोनों को ले जाइए, हम इस तरह से नहीं जी पाएंगे, एक दूसरे को पीट दिया हमने। अब कैसे प्रायश्चित होगा, कहाँ जाके प्रायश्चित करें? सेठ जी, अरे सेठ जी, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? लहंगे की दुकान में आग लग गई या लहंगे बिक गए? बात कर रहा है बेकार की। अरे वो दोनों मियां बीबी ने ना, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कसकर जड़ दिया,
अब अपना पाप धुलवाने के लिए मुझे कह रहे हैं कि कुंभ ले चलो, अब बता कैसे कैसे दुकान संभलेगी मेरी अगर ये दोनों चले जाएंगे तो। सेठ ने कितनी छोटी सी, वैसे दोस्त बोलते हैं, इतनी छोटी सी बात कर रहे। अरे सेठ जी, मैं देखूंगा तुम्हारी दुकान, और मेरी दुकान वो बाबू है ना, रंग बिरंगे बाल लगा के घूमता है रंग बिरंगे, वो कुछ दिनों के लिए मेरी देख लेगा। तुम तो बस एक काम करो, ढेर सारे पापियों को लेके जाओ और डुबकी लगाओ, देखो धंधा कैसा चमकता है। अच्छा हाँ। बात तो सही कह रहा है। अरे सुनो, तुम दोनों जो है पाप धोने के लिए मेरे साथ चलो कुंभ, भाई ठीक है। अरे तू इतना क्यों भुदक रही है इलायची? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे, जैसे लोग रेडी होते हो कि बाय। हम भी रेडी हो गए आप, चलो 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 बबू, अब पाप तो लेंगे। चाबी कहाँ है दुकान की? वो दे दूंगा तुझे, सुन पूरे लहंगे गिन के दूंगा, समझ रहा है तू? सरानी इनके पाप अच्छे से धुलवाइयो। हाँ समझे, दो बार डुबकी लगाइयो इनको। सुन अच्छे से धो दियो मेरे पाप, आ जा। हाँ हाँ